नमस्कार, मैं शीतल खौसेवाड़ी इन वार्ता में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खबर। 3 लाख बीमा भरा, मिला 2 लाख, पद संस्था ने किया 4 लाख का घोटाला। 17 सदस्यों के जाली हस्ताक्षर कर उठाया कर्ज। 5 मृतक सदस्यों को बीमा का नहीं मिला पूरा लाभ, 3 लोग नहीं सदस्य फिर भी मिला कर्जा। आयुध निर्माणी कर्मचारियों की एक संस्था ने 4,30,000 का घोटाला किया। मनमर्जी से संस्था का कार्य चलाकर कुछ लोगों से जाली हस्ताक्षर कर कुछ लोगों को बीमा की राशि कम देने का आरोप संस्था के संचालन व सदस्यों ने वाड़ी में पत्र परिषद में लगाया। गौरतलब है कि डिफेंस प्रोजेक्ट सेवक सहपद संस्था मर्यादित अंबाजरी के संस्था में आयुध निर्माणी के 3600 कर्मचारी सदस्य है। पत संस्था के अध्यक्ष आनंद मानवटकर तथा सचिव अनूप डेंगरे हैं, लेकिन इन दोनों पदाधिकारियों के काम पर भागदार संघ समिति तथा संचालकों ने संदेह व्यक्त किया। इसके खिलाफ वाड़ी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज की गई। संस्था के नियमितीकरण के कारण भाग्यधारकों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। 5 परिवार के साथ बीमा की धोखाधड़ी हुई तो 17 सदस्यों के जाली हस्ताक्षर लेकर उनके नाम का कर्जा उठाने का आरोप पद संस्था के संचालक श्रीराम गिरे ने लगाया। हमारे संवाददाता द्वारा संस्था के सचिव अनूप ढेंगरे से बात करने पर उन्होंने बताया कि 17 सदस्य के मामले की जाँच चल रही है। जिनको बीमा कम मिला उनके लिए LIC से बात चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे। पत्र परिषद में भागदार संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंगेश एनस्कर, सचिव विनय इंग्ले, संस्था संचालक श्रीराम गिरे और मंगेश गिरे की उपस्थिति थी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पत संस्था के संचालक श्रीराम गिरे। जून 18 जून को जो निवडणूक हुई उसमें मैं और मेरे साथ साथी मेरा मंगेश ढगे, हम दो चुन के आए। 10 जुलाई 2017 को सहकार विभाग से बेदरकर साहब ने हमारी कमी मीटिंग लेकर हमको वहां पर पदमुक्त पद पे बिठाया कि आप वहां के संचालक हो गए। 10 तारीख को हम वहां पे पद में आसीन हुए और 17 तारीख से हमें ऐसा देखने में आया इन 4-5 दिनों में ही कि वहां पर काफी आर्थिक गड़बड़ी चल रही है। हमने जब जैसे पता किया तो देखा कि वहां पर बगैर किसी हमारे भागधारक के वहां पे आए, उन्होंने न फॉर्म भरा न कुछ किया, उनको जो जानकारी भी नहीं है। ऐसे लोगों के नाम पर 10,000 शैक्षणिक कर्ज और 20,000 आकस्मिक कर्ज के नाम पर 17 लोगों के साथ ऐसा गैर व्यवहार किया गया है, जिसमें वहां के संस्था के अध्यक्ष श्री मानवटकर, इनके भांजे जो प्रतीक आठवले हैं, वहां पर ऐसा टेम्पररी काम कर रहे थे। ये उन्होंने मिलकर आपस में अपने समझ से ये जो गैर व्यवहार किया हुआ है। 17 लोग जो है, जिसमें 3 लोग जो ऐसे है जो वहां पर सभासद भी नहीं है, फैक्ट्री में एम्प्लॉय भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी लोन देने में आया गया, जिसके कारण संस्था के सभी भागधारक का 4,90,000 का उनके ऊपर भार बैठा हुआ है, जिसमें से प्रतीक आठवले और मानवटकर जी ने मिलकर वहां पर 60,000 रूपये भरा है, लेकिन 4,30,000 आज भी बैलेंस है। दूसरा, जैसे फिर हमने थोड़े दिनों के बाद हमें पता चला कि LIC में भी यहाँ पे इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है। जैसे हमें नितिन शिवनकर करके का मृत्यु हुआ, उनका भाई हमारे फैक्ट्री में एम्प्लॉय है, उसने मुझे आके बताया कि मेरे भाई का मृत्यु हुआ है, उसके ऊपर जो बाकी पैसा है मैं भरना चाहता हूँ, मुझे LIC का पूरा पैसा मिलना चाहिए। जब हमने इसकी जानकारी ली, हमने पैसा वहां पर जाके भरा और बोला कि 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, लेकिन जब उनको LIC क्लेम मिला तो 2 ही लाख रुपए मिला। फिर इस बारे में जब हमने जानकारी खोजबीन शुरू करने की तो ऐसे 5 लोग उस साल में मिले, दाउस्कर, महेश पाटिल, अपने मनोज मारशक्तिवार, विकास मिश्रा और नितिन शिवनकर, इन लोगों के साथ ऐसे आर्थिक गैरव्यवहार हुआ, जिनको 3 लाख रुपए LIC का मिलना चाहिए था, उनको 2 ही लाख रुपए मिला। जब हमने इस बारे में खोजबीन पूरी तरह की तो पता चला कि LIC में अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने जहां 1,897 रुपए काटे 3 लाख रुपए के प्रीमियम, लेकिन वहां पर भेजा गया 1,100 रुपए, जिस कारण LIC ने वहां पर सिर्फ 2 लाख का ही बनाया। जब हमने LIC से पत्र व्यवहार किया कि सोसाइटी ने कितने का आपसे बनाया है, तो LIC ने हमको एक पत्र दिया, उन्होंने बताया कि आपके संस्था के अध्यक्ष सेक्रेटरी ने हमें कभी भी 2.5 और 3 लाख रुपए की पॉलिसी बनाने के लिए कभी कहा नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 लाख का पत्र दिया, 2 लाख हमने LIC बनाई और बाकी का जो पैसा था वो उनको वापस कर दिया उसी समय। फिर जब हमने देखा कि खोजबीन करते हुए कि इसी तरीके के गैर व्यवहार 16-17 में भी किया गया है, 16-17 में 2.5 लाख की पॉलिसी थी, जो 2.5 लाख मिलने चाहिए उसके लिए 1,581 रुपए काटे गए, लेकिन वहां पर 2 लाख की पॉलिसी बनी, जिस कारण उस साल में जो 2016-17 में 7 भागधारक एक्सपायर हुए, उन लोगों को 2.5 लाख मिलने की जगह 2 ही लाख रुपए मिले, 50,000 रुपए का उनको
नुकसान हुआ है उन पीड़ित परिवार। जब वो परिवार वहां पर जाता है जो 16-17 के और 17-18 के 5 भागधारक, पीड़ित परिवार जब सोसाइटी में जाता है और उस अध्यक्ष सेक्रेटरी से बात करते हैं कि भैया हमारा पैसा जो 3 लाख और 2.5 लाख था वो देने में आए, तो उनका कहना होता है कि भाई आप LIC जाइए, LIC को पता कीजिए, आपका जितना पैसा था उतना मिल गया। इस तरीके का गैर व्यवहार वहां के संस्था के संचालक अध्यक्ष मालवटकर और सचिव अनूप डेंगरे इन्होंने किया। तो इन पीड़ित भागधारकों को न्याय मिलना चाहिए और सोसाइटी का जो 4,30,000 जो उठ गया है, जो गया हुआ है, पैसा वापस नहीं आया, ये वापस मिलना चाहिए। इसलिए आज हम आपके समक्ष मजरी में कार्यरत हैं और ये सब मेरे भाई लोग हैं। हम लोग सरकारी पंच संस्था जो है हमारी, इसमें भागीदार है। तो हम कुछ लोगों का 20,000 शैक्षणिक आकस्मिक लोग और शैक्षणिक लोग 10,000 करके काटा गया है, जिसका हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं था, जिसमें हमारा सब कुछ डिटेल जो है फर्जी था। तो ऐसे ही करके हमारा 30,000 रुपये काटा गया है, जिसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली, जिसकी सूचना हमें बाद में मिली, एंट्री कराने के बाद हमें मिली, तो जिसके ऊपर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। सुनील शेट्टी की रिपोर्ट वाली। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ हमारे चैनल।